है सर, यहाँ पे तो काफी है, मैंने ली है पहले। सर अनुरोध ये है सर कि पीआईएल में आप ये निश्चित रूप से लिखें कि सरकार ने प्राइमरी हेल्थ केयर और सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ केयर में कोविड के लिए, कोविड के प्रबंधन के लिए क्या तैयारी करके रखी है, क्योंकि वहां की आबादी को अगर कोविड अगर होता है तो प्राथमिक अग्रवाल रूप जी, से मेरी क्या बात क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पे। राइट उनकी सैलरी के लिए राइट सर, पहले, राइट उसकी सैलरी जो है ना, मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा बाधा है। वहां पर डॉक्टर्स नहीं आ पाते, और क्यों नहीं आ पाते अच्छे डॉक्टर्स, क्योंकि गवर्नमेंट में अभी बीच में एक ऐड देख रहा था मैं, 75,000 रुपए में एमडी डॉक्टर चाहिए था उनको, कहीं उन्होंने बीच में अभी निकाला। अब 75,000 रुपए में एमडी कहाँ से मिलेगा, अब ये बताइए आप। जस्ट बिकॉज मैं वही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट में क्या होता है कि अपनी सबसे बड़े बाबू सैलरी अगर 2,50,000 रुपए तो उनको लगता है कि इसके अब सब लोग जो हैं उसको नीचे होने चाहिए, ये बड़ी दिक्कत है सेक्टर को। मेसराम जी, आप प्रश्न रखिए अपना, जी, आप अपना प्रश्न रखिए राहुल, जी, माननीय राहुल जी के सामने। आदरणीय सभी साथियों को नमस्कार, और विशेष रूप से आज हमारे को जो मार्गदर्शन दे रहे हैं माननीय राहुल सिंह सर, शैलेश गांधी सर और प्रभु सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमको अच्छी जानकारी, और मैं जब से आरटीआई में जुड़ा हूँ मुझे बहुत सारा अनुभव मिला आप लोगों से सीखने के लिए। मेरी एक विशेष प्रार्थना यह है कि विगत में 1-1.5 साल से ज्यादा, मतलब जब से मैं यहाँ जुड़ा और एक अनुभव मैंने किया कि मुझे इसमें मेरी सहायता होगी अनुभव से, आरटीआई के अनुभव से। तो सर मेरा यह है कि मुझे सिर्फ सूचना आयोग से मुझे सूचनाएं नहीं दी जा रही, 2-2 साल से सूचनाएं नहीं दी जा रही है। सेकेंड, अपीलें मेरी वहां पे अच्छे तरीके से सुनवाई नहीं हुई, और पीआईओ को बचाया जा रहा है, 2-2 साल से सूचनाएं नहीं दी। फर्स्ट अपीले तो 18 ने भी सुनवाई नहीं की, मुझे सूचना तक नहीं दी सुनवाई की, तब भी मुझे, तो मैं बगैर सूचना के, अब मुझे कुछ लोग सुझाव देते मेरे मित्र लोग कि आप हाईकोर्ट जाइए। तो सर राहुल सिंह सर से मेरा निवेदन है, आयोग में बैठे हैं तो सर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जब तक सूचनाएं नहीं मिलेगी तो माननीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय से मुझे बगैर सूचनाओं के मैं अपना पक्ष कैसे रख पाऊंगा एक नागरिक के नाते। बस मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरी भाभी भी कोविड में एडमिट है, मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरी समस्याओं का समाधान करें। और विगत 3 साल से मुझे मेरे डिपार्टमेंट ने सैलरी नहीं दिया है, मैं मेडिकल में था, एक पक्षी रिव्यू कर दिया। ये मेरी व्यक्तिगत बातें हैं, लेकिन मुझे आयोग से सिर्फ सूचनाएं टाइमली मुझे नहीं दी गई, 2-2 साल से नहीं दी जा रही है। पीआई वो जबलपुर दुग्ध संघ को 25,000 रुपए फाइन कर दिया एसआईसी माननीय अरविंद कुमार शुक्ला साहब ने, एक वेटनरी के एक पीआई को 25,000 रुपए फाइन कर दिया, अभी तक सूचनाएं नहीं मिल रही। तो मैं अपना पक्ष न्याय प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय के सामने कैसे मैं उपस्थित हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, और मेरी समस्या का समाधान करें। बहुत व्यथित हूँ, अब पत्नी भी अस्वस्थ है, 3 साल से सैलरी जिसको ना मिले सर उसका क्या होगा, ये आप खुद समझ सकते। बस इतना कहना चाहता हूँ सर, मेरी समस्याओं का आप सब लोग समाधान करें। मैं नमस्कार। देखिए मेश्राम जी, मुझे आपका केस का पूरी जानकारी नहीं है कि किस तरह से क्या हुआ है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि आपको सूचना है, कोई भी सूचना नहीं मिल रही है, इंफॉर्मेशन जी, कमिश्नर हो आप, उनसे मुझे लगता है कि आप पर्सनल जाकर के मिलिए एक बार, उनको बताइए कि क्या स्थिति है। सर मैं मिल चुका सर, बताया मैंने, अभी अभी 3 मार्च 2020 को मैं स्वस्थ होने के बावजूद, मिसेज का स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी उनसे मैंने बोला, उन्होंने मुझसे कहा कि वाले यार डिपार्टमेंट वाले आपको परेशान क्यों कर रहे, उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। विगत 20 साल से मैं अपने हकों के लिए लड़ रहा हूँ, 5 हाईकोर्ट के ऑर्डर मेरे फेवर में है, वो नहीं मान रहे हैं, मेरे बैकवेजेस मेरी सैलरी नहीं दे रहे हैं, 1-1-2016 से सातवां वेतन मान नहीं दे रहे, मैं आर्थिक रूप से टूट चुका हूँ। आपके फेवर में है और सारी चीजें हैं तो आप जी कंटेम्प्ट लगाइए, कंटेम्प्ट चल रहा है ऑलरेडी सर। हाँ ऑलरेडी, हाँ तो मुझे लग रहा है कि इसको आप कंटेम्प्ट लगाइए, और हमारी यही कामना है कि आप अभी जल्द से जल्द कोविड से स्वस्थ हों, और आप ख्याल रखिए उनका, हम लोग सब प्रेयर करते हैं उनके लिए कि वो जल्दी स्वस्थ हों। सिंह सर मेरा एक निवेदन है कि ये चूंकि लाइफ एंड लिबर्टी का मामला है और मेरे परिवार के संबंधित है, आप इसमें मुझे कुछ हेल्प करें, सूचनाएं मुझे मिलेगी तो मैं जा पाऊंगा। मेशम जी, ये इसमें
ये इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का मामला होता है, मैं उनकी जो विषय उनके पास होता है मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। ऐसा भी दिक्कत है, और अगर ये जिस डिवीजन में वो मैं देखता हूँ अगर उसका मामला होता तो तत्काल मैं आपकी मदद करता, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब चूंकि ये कोर्ट का मामला जैसे आप बोल रहे हैं कि 5-5 हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आपके फेवर में, तो ये ज़्यादा और वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि हाई कोर्ट इस तरह के मामलों में खासतौर से सैलरी और इन सब के मामलों को लेकर हाई कोर्ट बहुत सेंसिटिव रहता है, और हाई कोर्ट इसमें तत्काल मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव कार्रवाई कर पाएंगे इसमें। सिंह सर एक निवेदन मेरा कि मैं मेडिकल में था, मुझे एक पक्षी रिव्यू कर दिया और वो ऑर्डर नहीं दिया, उसी के लिए मैंने लगाया कि भाई मेरा इतना दूसरा तीसरा छठवां सातवां वेतन मान नहीं दिया और ऑर्डर भी नहीं दिया तो मैं वहां ज्वाइन कैसे करूं, तो विगत 37 महीनों से मुझे सैलरी नहीं दे रहे हैं। रिमूव किया गया है, अगर सैलरी देखिए इतनी है मतलब आप सरकारी इसमें अगर सिस्टम में आप कहीं जुड़े हुए हो और आपको अगर हटाया जाता है तो गवर्नमेंट को आपको हटाने का कारण आपको बताना होगा। जी सर बिल्कुल सही, देने होंगे जी जी, और आपका जो भी हिसाब किताब बनता है वो भी आपको तत्काल देना होगा। वो नहीं दिया सर, वही मेरी लड़ाई चल रही है। दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें आपको होनी चाहिए, आपको एक ऑथराइजेशन लेटर मतलब आपको बताना होगा उनको कि भाई इस वजह से आपको हटाया जा रहा है, आपको जो आपके खिलाफ इंक्वायरी हुई इंक्वायरी के पेपर्स आपको देने होंगे। जी सर, डी होती है, डी की पेपर्स आपको सारे अवेलेबल करवाने होंगे सरकार को, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो नहीं कराए। हाँ सिंह सर एक चीज है कि अभी उन्होंने आयोग में 7 जुलाई 2020 को सुनवाई के दौरान उन्होंने बोला कि मेसराम को तो रिटायर कर दिया हमने, ये लिखित में दिया है, तो मैंने आरटीआई लगाया। रीजन तो देना होगा, ऐसा थोड़ी ना कोई रिटायर, अगर रिटायर कर दिया जो भी किया है आपको रीजन बताना होगा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के, जिसके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है उसको जानने की उसके खिलाफ क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं, इंक्वायरी क्या हुई है और किस बेसिस पे उसको हटाया गया है, ये बिल्कुल लिखा हुआ सिद्धांत है उसमें जिसमें हम लोग फॉलो करते हैं, और उसी उसी के तहत कई डी के ऑर्डर्स और जो भी इंक्वायरी होती है वो सब हम लोग अवेलेबल करवाते हैं सरकारी अधिकारियों को। सर ये क्योंकि मुझे ऑर्डर रिलीविंग का मिला ही नहीं और वो अगला पेरेंट डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि आप आके ज्वाइन करो, तो मैं कैसे ज्वाइन करूँ, यही उनने जो अवैध असंवैधानिक आरोप पत्र जारी किया है, जवाब भी दे चुका और ये सब चीज हाईकोर्ट ने आपके मामले में कंटेंट मांगा है इसीलिए हाईकोर्ट ने किया है, तो मुझे लगता है कि आप हाईकोर्ट एक इफेक्टिव सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा, हाईकोर्ट को ही फॉलो करें। सर ठीक है सर, हाईकोर्ट तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे सूचनाएं मिले, अब सूचनाएं नहीं दे रहे हैं दो दो तीन तीन साल से, तो मैं कैसे जाके अपना पक्ष रखूंगा, ये बड़ी प्रॉब्लम। प्रभु जी आपका वो ऑफ है, जब आप बोल रहे हो हेलो, जब आप कह रहे हो आपके पास 5 हाईकोर्ट ऑर्डर के आपके साइड में है वो दूसरे और हाईकोर्ट दूसरे में, तो आप मिक्स क्यों करते हो फिर, तो आप विषय को मिक्स क्यों करते हो, आपने 5 फेवर अभी तक जितने सुन रहे थे आपके, अभी जो आपने डिटेल्स बात कही उस चीज के ऊपर आपने फेवर में बताया, हम तो वही समझेंगे ना, तो आप अभी मिक्स मत करो, ऐसे हो ही नहीं सकता है कि आप हाईकोर्ट ने एक विषय में आपको फेवर किया तो दूसरे विषय में करेंगे, ऐसे कोई जरूर नहीं है, तो मुझे ये कहना है। और दूसरी जो बात है, अगर सूचना आयोग ने 25,000 पेनल्टी लगा के आपने आगे वो 25,000 पेनल्टी भरी है, या आपको कंटेंप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर्स के ऊपर वापस आप कंप्लेंट लगाई है, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने आपको पेनल्टी लगा के इंफॉर्मेशन देने के लिए बताई होगी ना, वो पीआईओ को लगाया, मुझे तो हरजाना भी नहीं मिला। अरे मेरे भैया हरजाना जाने तो, अभी हरजाना तुम आपकी नौकरी की है, तो मैं आपको ये कह रहा, आप हरजाना भी जो है आप पहले हरजाना कौन सा ज्यादा महत्व है वो पहले देखिए, 1 रुपया महत्व है कि 10 रुपये महत्व है, ये पहला आप देखना चाहिए। तो मुझे ये कहना है आपको, आपको सूचना आयोग ने ऑर्डर दिया है, 25,000 पेनल्टी लगाई है, सूचना आयोग ने इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताया कि क्या बताया है, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला और बोले 25,000 रुपए आप ज्वाइन करें पीआईओ, वो ठीक है। अरे अभी मेरा कहना है 25,000 बाद में देखो, इन्फॉर्मेशन आपको मिले नहीं मिली सर, हाँ नहीं मिले तो आपने क्या आप वापस आयोग में जाके कलम 18 के ऊपर कंप्लेंट कीजिए कि भैया मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, और सूचना आयोग के ऑर्डर को लेकर आप हाईकोर्ट जा सकते हैं ना। सर मैं आर्थिक रूप से अभी 37 महीने से परेशान हूँ। नहीं भैया नहीं, देखो आप इधर दूसरा कोई कुछ मदद नहीं है, देखो मैं एकदम फ्रैंक बोलना चाहता हूँ, हर एक के घर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है,
मैं आपको ओपनली बोलना चाहता हूँ, यहाँ जो जितने भी महानुभाव हैं आपका इशू लेके आगे नहीं जा पाएंगे, आपको आपका ही लड़ाई करनी है। और आपको ये मैं फ्रेंकली बताता हूँ, बाकी सब चुप बैठते होंगे लेकिन मैं तो ओपनली बताता हूँ, आपको हाईकोर्ट जाना ही पड़ेगा, इसमें दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरी जो उपाय है सेक्शन 18 के अंदर आपने कंप्लेंट करनी है आयोग को, आपने सूचना देने बोली थी, आपने सूचना नहीं मिली, आपने पेनल्टी लगाया हुआ है, पेनल्टी भरी है कि नहीं वो भी देख लेना, आप पूछ लीजिए उस पीआईओ ने पेनल्टी भरी है क्या, तो उसके बाद में आप ये भी देख लीजिए उसका जो पेनल्टी का जो है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बारे में डाला है कि नहीं, आपको भी ऐसे पीछे लेना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इधर जितने भी हैं हम लोग इतना ही आपको बोल सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आपके लिए हम ये करेंगे, ऐसे कोई बोल नहीं पाएंगे। सर प्रभु सर बिल्कुल, थैंक यू सर, आपने अच्छा मुझे भी मेरी हिम्मत तो बढ़ाई। सर संचालक महोदय को मैंने पूछा है कि सर ये जो 25,000 रुपए आयोग ने फाइन किया है इससे वसूल करके आपने क्या किया, तो मेरे ऊपर नाराज हो गए और सातवां वेतन मान आज 5 साल से नहीं दे रहे हैं वो, तो ये एक अलग नहीं वो देखो उसके नहीं ये मैं मानने तैयार नहीं हूँ, इसके लिए सातवां वेतन को लिंक नहीं करेंगे वे, ये कैसे लिंक करेंगे, आपको लिख के दिया है आपको सातवां वेतन नहीं मिलेगा, आपने ये पूछा तो। हाँ सर वो उन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, मैं मांग रहा हूँ तो नहीं दे रहे हैं। अरे नहीं, अरे मेरा बोलना मतलब क्या, देखिए आपको अभी मैं देखिए आप समझो कि आप हाईकोर्ट में खड़े हो और मैं जज हूँ, मैं आपको सवाल कर रहा हूँ जी सर, आप अगर ऐसे जवाब अगर आप दोगे कोर्ट में तो आपका बात मानी नहीं जाएगी, ठीक है ना सर। तो मैं यही कह रहा हूँ, आप जो भी है आपको लड़ाई करती रहनी पड़ेगी, आप लड़ाई के लिए क्या सवाल करना है ये आप पूछेंगे तो हम बता पाएंगे। अगर आप बताओगे आप बताओगे कि भैया ये चीज हमने पूछा इसलिए मेरा सातवां वेतन नहीं दिया, ये मानेंगे नहीं कोई भी, कोर्ट भी नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा, ऐसे नहीं होता है, उसको कुछ तो कारण होता है। आपको अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट है अलग है, कंपल्सरी रिटायरमेंट अलग है, कंपल्सरी रिटायरमेंट बोला तो नहीं कंपल्सरी रिटायरमेंट। अरे मेरा कहना है जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ सर से, प्रभु सर से मैं पूछना चाहता हूँ आपके संबंध में। जी सर, मैं महेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ सर। हेलो, मेरे सर इनके वाले जो मैटर में आयोग ने 25,000 की जो शास्ति लगाई है उसका उपरांत इनको लिखा है कि आपको जानकारी उपलब्ध कराए, वो जानकारी इन्होंने नहीं उपलब्ध कराई, क्या उस आदेश आयोग के आदेश को लेके हाईकोर्ट जा सकते हैं क्या मसरम जी? क्या, अरे मैंने वही कहा ना जा सकते हैं, वो बोलते हैं मुझे आर्थिक परिस्थिति पर सही नहीं है, जा नहीं सकते करके किसने बताया, जा सकते हैं सर ठीक है सर, ठीक है, ये इनकी अपनी प्रॉब्लम है आर्थिक स्थिति खराब होना या नहीं होना, पर आपने मुझे सजेस्ट किया कि जा सकते हैं तो बाकी तो मैं देखता हूँ सर, ठीक, थैंक यू सर। और गुप्ता जी ये तो डिस्कशन कई बार हो चुका है कि यदि आयोग का आदेश हुआ है कि भाई इनको जानकारी दी जाए और संबंधित विभाग जानकारी नहीं दे रहा है, पीआईओ जानकारी नहीं दे रहा है, तो आप हमेशा हाईकोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट आप हमेशा जा सकते हैं, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है, इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। मैं और भी कह रहा हूँ कि उन्होंने पहले कलम सेक्शन 18 के तहत आयोग का आदेश को पालन नहीं किया करके आपने कंप्लेंट करना चाहिए उस कमीशन में, और उसके साथ ही साथ अगर कमीशन अगर सुनवाई नहीं लेती है बहुत टाइम तक, आप दे दीजिए 45 दिन 50 दिन दे दो, अगर नहीं लेती तो वो सभी चीज लेके वे हाईकोर्ट जा सकती है, वे जा सकते हैं और उसका इलाज निकाल सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, और दूसरा इसमें कोई इलाज नहीं है। और दूसरी जो बात है वॉलंटरी रिटायरमेंट इज डिफरेंट एंड कंपलसरी रिटायरमेंट इज डिफरेंट, तो कंपलसरी रिटायरमेंट अगर कुछ इंक्वायरी के बाद में उसके बाद में होती है तो उसका जितने भी आपको ग्रेजुएटीज छोड़ के जितना भी जो भी आपको मिलना रहता है वो होल्ड में रखते हैं, ये सरकारी दफ्तरों में बहुत जगह में होता है, वो सही या गलत है वो आगे की बात है लेकिन होल्ड करके रख देते हैं। तो सर आयोग से तो इसकी जांच होनी चाहिए कि भाई मैंने आयोग क्यों करेगी ना, आयोग सिर्फ आपको सूचना के बारे में जांच करेगी जी, बस इतना ही, आयोग ये नहीं आयोग ये नहीं देगा कि आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट क्यों किया वो क्यों किया, ये नहीं करेंगे। तो मैं आयोग ने जो मामला न्यायिक है उसमें सूचना अधिकार का कोई भी क्षेत्राधिकार नहीं है, और क्योंकि 3 वर्ष से इनको वेतन नहीं मिला है, इतना ही साक्ष्य काफी था, कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं,
नहीं ऐसा 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 नहीं है, वो आरटीआई लगा के न्यायिक मामले की भी जानकारी मांग सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है लोक कुमार जी कि न्यायिक मामला है तो आप आरटीआई नहीं लगा सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इनको फायदा होगा, जो इनको मतलब चीजें उपलब्ध होंगी वो न्यायिक व्यवस्था से ही हो सकती है। सूचना मतलब आयोग केवल इनको सूचना उपलब्ध कराएगा। अगर 3 वर्ष इनका वेतन इनको नहीं मिला था तो 2 कारण होंगे, या तो इनके ऊपर कोई इंक्वायरी पेंडिंग होगी या इन्होंने कुछ मिसकंडक्ट किया होगा। अगर इन्होंने मिसकंडक्ट किया है तो इनको आरोप पत्र दिया जाएगा, आरोप पत्र देने के बाद इनको मौका दिया जाएगा कि ये एक मिनट हाँ राहुल सर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। मैं कह रहा था कि अब समय भी हो रहा, हम विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसको एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि भाई जो आज जो बातें जो निकली हैं उसमें क्या हमें करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले